साधु मार्क लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय दस पद संख्या 46-52 पर्यंत। सेमाने जेरिखोरे आसी पहुंचिले। जीशु निज शिष्य ओ विराट जनता सहित जेरिखोरु बाहरिबा समय रे तिमेयंको पुत्र बार्तिमेय नामक जणे अंध भिकारी रास्ता कडरे बसिथिला। नाजारेतियो जीशु सही पथ दे जाउछंती सुनी से उच्च स्वर रे चित्कार करी कहिला, हे दाविदंको पुत्र जीशु, मो प्रति दया करंतु। अनेके ताको नीरव हेबा पाए धमक देले, किंतु से आहुरी उच्च स्वर रे चित्कार कला, हे दाविदंको पुत्र, मो प्रति दया करंतु। जीशु अटकी जाई कहिले, ताको एठाकू डाक। सेमाने से अंधलोक को डाकी कहिले, आश्वस्त हुओ, उठ, से तुमको डाकुछंती। से निजर जामा फिंगी दे ओ डिया मारी जीशुंको निकट को आसिला। जीशु ताकु पचारिले, मु तुम पाई कौन करी बोली तुमे चाहुछ। अंधलोकटी तांकु कहिला, हे गुरु, मु जेपरी पुनर्बार दृष्टि लाभ करे। जीशु ताकु कहिले, जाओ, तुमरो विश्वास तुमको सुस्थ कला। से तत्क्षणात दृष्टि लाभ करी तांकर अनुसरण कला।